हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन प्याजे जो कि कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। तो इन्होंने संज्ञान जो है उस पर सबसे अधिक बल दिया, और जिसमें इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का जो विकास है उसमें जो उसका बचपन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, बचपन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सिद्धांत जो है ज्ञान की प्रकृति के बारे में है, और ये बताते हैं कि मानव जो है कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और फिर इसका जो है उपयोग करता है जब भी उसके सामने कोई परिस्थिति आती है। तो जीन प्याजे क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जो है वो बच्चे के जन्म से ही हो जाता है, और जब वो किशोरावस्था तक आता है तब जो है उसका संज्ञान का जो विकास है वह पूरा हो जाता है। ठीक है, और बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण में स्वयं करता है। बालक के पास जो विचार है वो पहले से ही मौजूद रहते हैं, और उन्हीं विचारों के द्वारा जो है वह ज्ञान को अर्जित करता है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वातावरण के तत्वों का क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि चीजों को पहचानता है और जो सिंबल होते हैं उनकी हेल्प से उन्हें समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो भी वस्तु है या कोई व्यक्ति है उसके संदर्भ में जो है अमूर्त चिंतन करता है। पहले जो है चीजों को पहचानता है, फिर समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो है उनके बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये सारी जो क्रियाएं करता है ये सब मिलकर जो है उसके भीतर एक ज्ञान का जो भंडार है, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना जो है वह उसके माइंड में बन जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार का जो उद्दीपक है, स्टिमुलस है, उससे प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सबसे पहले जो है जो भी उद्दीपक होगा उसको वह पहचानेगा, जानेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेगा, और उसके बाद जहां पर भी जरूरत होगी उस ज्ञान का उपयोग वह करेगा। तो इसीलिए जो जीन प्याजे हैं जिन्होंने जो बचपन है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने बताया कि बालक जो है वो एक तरीके से नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ को स्वयं विकसित करते हैं, अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो संज्ञान पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया। तो देखिए, संज्ञान का अर्थ है जानने की प्रक्रिया, यानी उस चीज को जानना, पहचानना। ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया भी हम इसे कहते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें जो है ज्ञान, चिंतन, स्मृति, अवधान, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण, बुद्धि, ये सब क्या है, संज्ञान है। ठीक है, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, पहचानते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, स्मृति में रखते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन करते हैं, तो ये सब कुछ हम किसके द्वारा करते हैं, अपने संज्ञान के द्वारा करते हैं। जीन प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। तो आप जो है ये याद रखिएगा, एग्जाम में आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, जीन प्याजे को। ठीक है, इनकी जो पुस्तक हैं उनके नाम है द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो जीन प्याजे जो हैं इन्होंने भाषा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये बोलते हैं कि बच्चा जो है सबसे पहले जो उसकी थॉट होती है वो उसके दिमाग में पहले होती है, ठीक है, उसके बाद जब वो वातावरण में आता है, क्रिया करता है, फिर वो भाषा को सीखता है। यानी पहले थॉट का विकास होता है, उसके बाद में भाषा का विकास होता है। तो ये उनकी पुस्तक है। नेक्स्ट जो बुक है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है जिसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इससे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो जीन प्याजे ने दिया था, और इनकी जो धारणा थी, विचार थी, इसी से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने एक अलग से जो है अपना सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो बुक का नाम आप याद रखें कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये किसकी है, जीन प्याजे की है। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ जो है जन्म से ही हो जाता है और किशोरावस्था में पूर्णतया को प्राप्त करता है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चा
अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण में स्वयं करता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपनी समझ जो है उसका विकास स्वयं करते हैं। बालक के पास विचार जो है पहले से ही मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है कि वातावरण में आकर जो है वो विचार जो है वह आते हैं, नहीं, वो जो है उसके पास जो है मातृभाषा इसके साथ वो पैदा होता है। तो विचार जो है उसके पास पहले से ही मौजूद हैं, बाद में जो है उसकी भाषा का विकास होता है और अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा ही वह ये सीखता है। प्याजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है किंतु मात्रात्मक रूप से बड़ों की समान होती है। यहाँ पर प्याजे क्या कहते हैं कि चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, यदि हम क्वांटिटी की बात करें तो जो सोच है वो दोनों में बराबर होती है, दोनों में ही समान होती है, लेकिन जो बच्चा होता है गुणों की बात करें तो बच्चे की जो सोच है वह बड़ों से अलग होती है, यानी तरीका जो है सोचने का वो अलग होता है, मात्रा दोनों में बराबर होती है। संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अनुभव जो है वह प्रभावित नहीं करेगा। विकास को प्रभावित करने के कार्य जो है भौतिक विश्व के साथ अनुभव द्वारा किया जाता है। सामाजिक अनुभव जो है वह प्रभावित नहीं करता विकास को। विकास को कौन प्रभावित करता है? भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव जो लेता है बच्चा वह प्रभावित करता है। तो बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, कैसे चीजों को क्रिएट करता है? रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो है सीखना जो है वो बालक के द्वारा खुद किया जाता है। बालक जो है इसमें एक्टिव होकर जो है पार्टिसिपेट करता है और अधिगम के लिए बालक को पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करनी चाहिए। बच्चा खुद खोज करे, खुद अन्वेषण करे और उसके द्वारा ही बच्चा जो है चीजों को सीखता है। फिर देखें जीन प्याजे की शब्दावली, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले है स्कीमा। तो पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका स्कीमा कहलाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जहां पर हमारी सूचनाएं जो हैं संगठित हैं, जिनका प्रयोग जो है भविष्य में जब भी काम आएगा तो हम इनमें से सूचनाएं जो है वो एकत्रित करके उनका उपयोग कर सकते हैं उस समय। ठीक है, ये जो है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, जहां पर बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी हैं। मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण स्थल है, यहाँ पर जो है हम चीजों को सोच सकते हैं, जो भी हमारे पास पहले से जो पूर्व ज्ञान है पूर्व अनुभव है उसके आधार पर भविष्य के लिए जो चिंतन करना है वह हम चिंतन करते हैं और हमें जरूरत पड़ती है तो इस इंफॉर्मेशन का जो है हम उपयोग करते हैं। और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संगठित करना और उन्हें मस्तिष्क में धारण करना ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो देखिए इसका जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए जो है रसोई घर में जो है एक मसालदानी होती है और जिसमें सभी तरीके के मसाले जो है अलग अलग जो है डिब्बियों में रखे हुए रहते हैं। ठीक है, और जब भी हमें अलग अलग तरीके की जो है सब्जी बनाने की जरूरत पड़ती है तो हमारे स्कीमा में पहले से ही ये सूचना जो है संगठित है कि हमें कौन सी सब्जी के लिए कौन से मसाले का उपयोग करना है। तो हमारे पूर्व ज्ञान जो है वह अपने आप ही बता देगा कि हमें जो है इस वाले मसाले का जो है अधिक, इस वाले मसाले का जो है कम उपयोग करना है। तो हमारे जो है मानसिक संरचना जो है इसमें व्यवस्थित तरीके से जो है ये सूचनाएं संगठित रहती हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी डिब्बियां जो कि मसाले हैं जिसमें अलग अलग, ये क्या है? स्कीम्स हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? स्कीमा जहां पर हमारी जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संगठित हैं जिनको हमने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है। और स्कीम्स किसे कहेंगे? व्यक्ति के व्यवहार का संगठित रूप जिसे व्यक्ति जीवन में बार बार काम में लेता है जब भी उसे जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो शब्दावली है वह है संरक्षण, कंजर्वेशन। समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता के अनुसार किसी भी व्यक्ति वस्तु उनमें अंतर और समानता करना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। जहां पर जो बच्चा है वह किन्हीं दो चीजों में अंतर करना सीख जाता है, तुलना करना सीख जाता है कि ये चीजें जो है समान है या असमान है। जब बच्चे के अंदर ये चीज आ जाती है, इसका विकास हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? संरक्षण या कंजर्वेशन कहा जाता है। मान लीजिए ये जो है एक बर्तन है, इसमें जो है 1 लीटर जो है पानी आता है। ठीक है, और ये जो है एक लंबा सा बर्तन है,
इसमें भी 1 लीटर पानी आता है। 8 वर्ष के बालक जो है, उससे कम उम्र का जो बालक है, 8 वर्ष से कम उम्र के बालक को यदि पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों में जो है सबसे अधिक पानी किसमें आएगा, तो देखते ही बच्चा क्या कह देगा कि इसमें पानी अधिक आएगा, जबकि उसे नहीं पता है कि दोनों ही एक एक लीटर के जो है बर्तन हैं। ठीक है, क्या है, बस जो रूप है, जो साइज है, उसमें परिवर्तन आ गया है। तो 8 वर्ष से कम उम्र का बालक जिसके अंदर कंजर्वेशन यानी संरक्षण जो है ये नहीं आ पाता है, ठीक है, और 8 वर्ष की आयु के बाद का जो बालक है उसमें संरक्षण योग्यता विकसित हो जाती है। दो चीजों में अंतर जो है वो करना वह सीख जाता है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, स्कीमा, संरक्षण, जिनका उपयोग जो है अपनी थ्योरी में जीन प्याजे ने किया। नेक्स्ट है अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात और प्राकृतिक योग्यता जो है, इसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति जो है वातावरण के साथ जो है समायोजन स्थापित करता है। अनुकूलन में दो तत्व शामिल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है, आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। आत्मसातीकरण तो इंग्लिश में भी आप ध्यान में रखें, इंग्लिश में भी आ जाता है कभी, एसिमिलेशन, और समायोजन यानी एडजस्टमेंट एकोमोडेशन। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण क्या होता है, जिससे कि हमारे पास जो पहले से ही अनुभव है, पहले से ही ज्ञान है, इसके आधार पर यदि कोई नवीन चीज हमारे सामने आ जाती है तो उसको समझना, ये क्या है, आत्मसातीकरण है। पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान स्कीमा से बाहरी जो दुनिया है उसको समझना, कि हमारे पास जो सूचनाएं संगठित हैं हमारी जो मानसिक संरचना में, तो क्या वो चीजें जो हम अभी देख रहे हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान से, पूर्व अनुभव से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं। तो बाहरी जो दुनिया है उसको समझना, ये क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। अभी एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दूंगी, जिससे आपको ये सभी चीजें समझ में आएंगी। समायोजन, वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। नेक्स्ट देखें संतुलन, यह आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, और यदि पुराना ज्ञान जो है नए ज्ञान के साथ जो है संबंधित हो जाता है और बिल्कुल सटीक बैठता है तो व्यक्ति जो है संतुलित व्यवहार करता है, और यदि पुराना ज्ञान और नवीन ज्ञान में जो है अंतर आ जाता है तो व्यक्ति जो है असंतुलित व्यवहार करता है। इसके बाद देखें एक एग्जाम्पल है जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि देखिए छोटा बच्चा है, उसने जो है डॉग देखा जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, तो उसको बताया गया कि ये जो 4 पैर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डॉग है। तो उसने जो है ये जो सूचना है इसको संगठित किया और अपने स्कीमा में पहुंचाया, ठीक है, तो स्कीमा में जो है ये इंफॉर्मेशन चली गई कि 4 पैर वाला जो है डॉग होता है। अब जो है बालक जितने भी 4 पैर वाले जो है जानवर देखेगा तो उनको जो है डॉग की तरह समझेगा, तो ये क्या है, आत्मसातीकरण है, यानी उसका जो पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वर्तमान स्कीमा से बाहरी दुनिया को उसने समझा, ठीक है। अब जो भी जानवर उसने देखे उनको क्या समझा, ये सभी डॉग हैं क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, लेकिन रूप रंग में जो है अंतर जब दिखाई दिया, क्योंकि उसने जब अलग अलग तरीके के जानवर देखे 4 पैरों वाले, तो जो कि डॉग नहीं थे, तो अब क्या करेगा कि जो स्कीमा है उसमें नई जो इन्फॉर्मेशन है इसको ऐड करेगा, वातावरण के साथ जो है उचित तालमेल स्थापित करेगा, और फिर जो है परिवर्तन करेगा और समायोजन बैठाएगा, ठीक है, जिससे कि उचित तालमेल बैठेगा और ये क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा, ये आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया कहलाएगी जिसमें उचित तालमेल बैठेगा, और फिर जो है उसका जो व्यवहार जो असंतुलित हो गया था वह नियंत्रण में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पुराने ज्ञान में जो है नए ज्ञान को जोड़ लिया है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर देखिए 4 फैक्टर बताए जीन प्याजे ने, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन और सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, तो हिंदी में भी आप याद रखें और इंग्लिश में भी नाम याद रखें, परिपक्वता, अनुभव, संतुलन और सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, तो
तो इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जीन पियाजे ने, और जो लास्ट जो फैक्टर बताया सामाजिक अन्योन क्रिया, इसको सबसे कम महत्व देते हैं। मैच्योरेशन क्या होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की जो है उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ जो समझ का विकास होता है वह कहलाती है परिपक्वता, और अनुभव कहलाता है किसी भी कार्य को करने के बाद में व्यक्ति जो है उसके लिए क्या हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, यानी एक्टिविटी से अनुभव बढ़ेगा। संतुलन क्या होता है, ये जो है आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जो काम है या व्यवहार है इसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और लास्ट है सामाजिक अन्योन क्रिया, इसको जीन प्याजे जो है फैक्टर तो मानते हैं लेकिन सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप ये चारों के नाम ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए जीन प्याजे के अनुसार विकास जो है वो चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा कैसा होता है, निरंतर होता है। और ये डायग्राम जो है इस तरीके का एग्जाम में आ चुका है कि ये जो डायग्राम है ये क्या दर्शाता है जीन प्याजे के विकास के सिद्धांत में, तो ये दर्शाता है कि विकास जो है चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा जो है कैसा होता है, निरंतर होता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो इन्होंने चार अवस्थाएं बताई जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेगीय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है, तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं होती हैं बालक की वो समस्त क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात सीखने का माध्यम जो है यहाँ पर क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियों के माध्यम से ही बालक जो है वो चीजों को सीखता है, और अभी जो है कोई भी भाषा नहीं होती है और कोई भी विचार जो है उसके पास मौजूद नहीं होते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जीन प्याजे ने संवेगीय पेशीय अवस्था को 6 अवस्थाओं में बांटा। तो सबसे पहली है प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, ये जन्म से 30 दिन तक की होती है, और यहाँ पर सहज प्रतिवर्त क्रियाओं का विकास हो जाता है। कौन सी, जैसे चूसना हो गया, काटना हो गया, पकड़ना हो गया और देखना हो गया। तो जन्म से 30 दिन तक जो है जब बच्चा हो जाता है 30 दिन का, तो ये जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं इनका विकास जो है वो सहज हो जाता है। दूसरा देखें मुख्य वृत्तीय क्रिया अवस्था, 1 महीने से 4 महीने के बीच में जो है ये अवस्था होती है। यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं इनको दोहराव करना, पुनरावृत्ति जो है ये करने की प्रवृत्ति जो है एक बच्चे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखें गौण वृत्तीय क्रिया अवस्था, 4 महीने से 8 माह तक यहाँ पर आँख और हाथ में जो है संबंध स्थापित करना, यानी कि बच्चा जो है जिन चीज़ों को देख रहा है और उसी के प्रति जो है इशारा कर रहा है, ठीक है, उसकी जो उंगली है वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। तो यहाँ पर विकास हो जाता है बच्चे का 4 माह से 8 माह तक, जब वह आँख और हाथ में संबंध स्थापित कर लेता है। गौण स्कीमेटा की अवस्था, 8 माह से 12 माह तक की, यहाँ पर जो है अनुकरण करना, नकल करना जो है इस क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे उसकी माँ जो है कर रही होती है वैसे ही बच्चा जो है वो करने की कोशिश करता है। तीसरी वृत्तीय क्रिया अवस्था जो कि 12 माह से 18 माह तक होती है, यहाँ पर जो बच्चा है उसमें उत्सुकता की भावना जो है इसका विकास हो जाता है। मानसिक संयोग से नवीन वस्तुओं की खोज की अवस्था, तो 18 से 24 माह तक की जो है ये अवस्था होती है, और यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का भाव पैदा हो जाता है, यानी कि छुपी हुई जो वस्तुएं हैं इनको खोज निकालने की जो क्षमता है उसका विकास हो जाता है। बच्चे के सामने जो है एक बॉल जो है वह दिखाई जाती है, ठीक है, और कुछ देर बाद जो है इस बॉल को छुपा लिया जाता है, तो बच्चा जो है उस छुपी हुई वस्तु जो है उसको खोज निकालना, ये जो है इस क्षमता का विकास जो है 18 से 24 माह में हो जाता है। तो ये जो 6 अवस्थाएं हैं ये संवेदीय पेशीय अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरी अवस्था प्राक संक्रिय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था का नाम क्या था, संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष तक की होती है, और पहली जो अवस्था थी वह जन्म से 2 वर्ष तक की है। इसमें जो है ध्यान केंद्रित प्रवृत्ति, यहाँ पर बच्चा जो है चीज़ों के प्रति जो है वो ध्यान देने लग जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वह उसके अंदर डेवलप हो जाता है। प्रतीकात्मक विचार आ जाते हैं, जो सिंबल होते हैं इनको देखकर जो है वह सोचना प्रारंभ कर देता है।
जीववाद, संजीव चिंतन या एनिमिज्म। तो यहाँ जो छोटा बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने की क्षमता जो है उसका विकास यहाँ हो जाता है। जैसे जो बच्चा है उसके द्वारा कोई भी खिलौना जो है उसको सजीव मान लेना, जैसे कि इसमें जान हो, या फिर सूरज जो है बहुत अधिक रोशनी जब उसको दिखाई देती है तो ये बोलता है कि सूर्य जो है वो आज बहुत गुस्से में है। ठीक है, तो ये क्या है? जीववाद है। अहम मान्यता, आत्म केंद्रिता, ईगो सेंट्रिक। तो दूसरी जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें जो है बच्चे के अंदर अहम केंद्रवाद जो है वह आ जाता है। इसमें बालक जो है अपने ही विचारों को सही मानता है, ये कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। बालक जो है दुनिया को अपनी नज़र से देखता है, यानी यहाँ पर जो है वो वाला ईगो नहीं है, घमंड वाला ईगो नहीं है, इसे हम नहीं कह सकते। ये जो ईगो सेंट्रिक है ये क्या है, यानी बच्चा जो है वो पूरी जो दुनिया है उसको अपनी ही नज़र से देखता है, यानी मैं जो सोच रहा हूँ वही वास्तव में सही है। बालक जो है दूसरों के नज़रियों को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता है और ना ही दूसरे के नज़रियों को सराहना करता है। बालक ये सोचता है कि संसार की सभी वस्तुएं जो हैं उसी के आसपास चक्कर लगा रही हैं। जैसे कि जो बच्चा है उसको अगर बस में यदि बैठा दिया जाए तो बस में बैठते समय जो है वो ये सोचने लग जाता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो उसी के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, पलटवार नहीं, ई रिवर्सिबिलिटी, कारण संरक्षण का ना आ पाना। तो संरक्षण क्या था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, कोई भी दो या तीन वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अंतर कर पाना। ठीक है, तो ये क्या था, संरक्षण था। तो यहाँ पर बच्चा जो है कितनी उम्र का है, अभी 7 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसमें जो है संरक्षण जो है इसका विकास नहीं हो पाता है। लगभग 7-8 वर्ष के बाद में जी संरक्षण का विकास होता है। तो यहाँ पर वस्तु का वजन आकार जो है इसको ये बच्चा नहीं समझ पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल क्रिया अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक की, जहाँ पर बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं को देखकर वर्गीकरण करने लग जाता है। यानी कि यदि हम उसको जो है रंगों की बात बताएं तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अंतर करने लग जाता है कि ये जो है पीला रंग है, ये नीला रंग है, ये हरा रंग है, यानी रंगों के कितने प्रकार हैं ये उसको समझ में आने लग जाता है। जानवर कई प्रकार के होते हैं ये उसको समझ में आने लग जाता है। इससे पहले की जो दूसरी अवस्था थी यहाँ पर बच्चा केवल ये जानता था कि ये रंग है, चाहे उसके सामने हरा रंग जो है वह दिखा दो, नीला रंग दिखा दो, वहां पर वह वर्गीकरण नहीं कर पाता है। यहां पर बच्चा जो है वर्गीकरण करना सीख जाता है, विचारों में विलोम या क्षमता जो है शुरू हो जाती है। इस अवस्था को संरक्षण और वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाता है। अहम मान्यता में कमी आना, अब जो ईगो सेंट्रिक की बात जो हमने की थी, जिसको हमने समझा था आत्म केंद्रियता, ठीक है, बालक जो है दूसरों के विचारों को नहीं समझ रहा था, केवल अपने विचार जो है वही लेकर आ रहा था कि यही सही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया जो है जिस तरीके से मुझे दिख रही है वास्तव में यही है। इस चीज में जो है वो कमी आने लग जाती है, दूसरों के नजरिया जो है उसको समझना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है वो संरक्षण कंजर्वेशन आ जाता है, चीजों में तुलना करना वर्गीकरण करना सीख जाता है, वास्तविक संसार को समझना, उसके साथ अंतःक्रिया करना यह सीख जाता है, ठोस वस्तुओं पर आधारित समस्याओं का जो है वह समाधान करने लग जाता है। यानी कोई भी मूर्त वस्तु है उसके बारे में यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर जो है उनका समाधान करने की क्षमता का विकास यहाँ हो जाता है। मूर्त संक्रिय अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना विचार करना जो है प्रारंभ कर देता है मूर्त वस्तुओं के संबंध में। फोर्थ जो अवस्था है लास्ट, औपचारिक संक्रिया अवस्था या अमूर्त क्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो यहाँ पर 11 से 13 वर्ष की जो उम्र है, जो कि फोर्थ स्टेज है जीन प्याजे के अनुसार, ध्यान रखिएगा, पहली जो स्टेज थी जिसमें जो उम्र बताई इन्होंने, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था बताई 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरी जो अवस्था बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अंतिम जो स्टेज है
औपचारिक संक्रिय अवस्था जो कि 11 से 13 वर्ष की जो है इन्होंने बताई। यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त वस्तु के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। निगमनात्मक तर्क जो है उसमें पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है बच्चा निगमन क्या होता है, निगमन प्रणाली आपने पढ़ी होगी कि जो है बच्चा जो है यहाँ पर नियम जो है उसको समझ में आने लग जाते हैं और नियम के आधार पर ही कई जो है एग्जाम्पल वो दे सकता है। संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्च स्तर माना जाता है इसे, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। यहाँ पर बच्चे में तर्क वितर्क करने की शक्ति का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की शक्ति का विकास हो जाता है। यहाँ पर अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करके और कोई भी समस्या यदि हो अमूर्त वस्तुओं के बारे में तो उनका भी समाधान करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जीन प्याजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये कंप्लीट होता है। फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ और जो है आप अच्छे से इसको सुनते जाइए कि इम्पोर्टेंट लाइन ये रही है कि जीन प्याजे जो है इनको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो बचपन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बालक जो है एक नन्ना वैज्ञानिक कहा इन्होंने, जो कि संसार के बारे में अपनी समझ को जो है विकसित करता है। बच्चा जो होता है खुद जो है अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण में करता है, उसके पास जो है विचार पहले से ही मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो शब्दावली बताई, जिसमें इन्होंने बताया स्कीमा के बारे में कि जो पहले का जो ज्ञान है, पूर्व अनुभव जो है उसको व्यवस्थित करने का जो तरीका है वह क्या है, स्कीमा है, जहां पर हमारी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर इकट्ठा रहती है, पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसको कहा। संरक्षण की बात की इन्होंने, दूसरे संरक्षण क्या होता है, जहां पर बच्चा जो होता है दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के बीच में जो है अंतर करना सीख जाता है। संरक्षण जो शब्द है इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। उसके बाद इन्होंने एक और शब्द लिया था आत्मसातीकरण, यानी पूर्व जो अनुभव होते हैं पूर्व ज्ञान जो होते हैं उसके आधार पर वर्तमान स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझना आत्मसातीकरण कहलाता है। और जब बच्चा जो है नई चीजों को देखता है तो अपने स्कीमा में जो है उसे ऐड करता है और उसके बाद वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करके जो है संतुलन का व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने चार जो फैक्टर बताए थे, कौन कौन से बताए थे आपको याद होंगे, एक तो बताया था परिपक्वता, दूसरा बताया था अनुभव, तीसरा बताया था संतुलन और चौथा बताया था सामाजिक अन्योन क्रिया, जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंस जो है इन्होंने दी थी। जीन प्याजे ने जो है अपने सिद्धांत में ये कहा कि विकास जो है चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा जो है लगातार होता है, निरंतर होता है। इन्होंने जो है चार अवस्थाएं बताई, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे कि संवेगीय पेशी अवस्था भी कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर जो है वो 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई वह बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की बताई। तीसरी जो अवस्था बताई उसका क्या नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की उम्र बताई। और फोर्थ जो अवस्था बताई औपचारिक संक्रिया अवस्था या जिसको हम अमूर्त क्रिया अवस्था कहते हैं, 11 से 13 वर्ष की जो है उम्र बताई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जीन प्याजे के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक एक लाइन जो है इनको याद करिए समझिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए नैतिक विकास की बात जो है जीन प्याजे ने की और उसके बाद में कोहल वर्ग जो है इन्होंने बात की। तो कोहल वर्ग की थ्योरी जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले जो प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उनकी बुक रही है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि 1932 ईस्वी में लिखी थी। तो कोहल वर्ग से पहले जो है प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें प्याजे ने छोटे छोटे बच्चों को नैतिकता की कहानियां सुनाई और फिर इन कहानियों पर जो है उन्होंने क्वेश्चन बनाए और फिर जो है हल करने को उन बच्चों को दे दिए। और ये पता करने के लिए कि जो कहानियां बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी हैं तो नैतिकता के जो प्रश्न हैं उनको कितने बच्चे जो हैं वो हल कर पाते हैं। प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई, पहली
पहली अवस्था परायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी स्वायत्ता पर आधारित नैतिकता की अवस्था। तो पहली जो अवस्था है जिसमें इन्होंने 4 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको बताया कि 4 से 7 वर्ष के बच्चों में परायत नैतिकता जो है वह आ जाती है, यानी कि बाहरी जो सत्ता है वहां से ये नैतिकता प्राप्त करते हैं। दूसरों के द्वारा जब बताया जाता है कि ये बात जो है वो गलत है, ये बात सही है, ये चीज वो सीखते हैं। स्वायत्ता पर आधारित, तो यहाँ पर बच्चा जो है किसी के द्वारा नहीं बल्कि खुद जो है नैतिकता के गुण सीखता है। तो यहाँ पर जो समय लिया 10 वर्ष से बड़े बच्चे, जो कि नैतिकता का जो गुण है वो उनमें खुद आता है, ठीक है, किसी के द्वारा उनको नहीं बताया जाता है बल्कि खुद जो है वो चीजों को समझते हैं और उसके आधार पर ही वो कार्य करते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, देखिए जीन प्याजे ने सबसे पहले दिया था लेकिन उनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसे सामाजिक ठेका निर्माण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहल वर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आप ध्यान में रखें। जीन प्याजे कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड के। कोहल वर्ग प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रभावित हुए और उसमें जो है संशोधन किया और फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो वहां पर आपका आंसर कोहल वर्ग ही होगा। कोहल वर्ग ने कहानियों के माध्यम से यह सिद्धांत दिया और उन्होंने जो है 11 कहानियां लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है वो किसकी है? हाइनज नाम के एक व्यक्ति की है, जो बिना कुछ सोचे दुकान तोड़कर अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा कर लाता है। हाइनज जो है वो कहाँ के थे? यूरोप के थे। अब देखिए हाइनज जो है एक व्यक्ति जो कि यूरोप के थे, इनकी पत्नी जो है वो बहुत बीमार थी तो इनको दवा की बहुत जरूरत थी। ये मेडिकल पर जाते हैं और वहां पर जो है मेडिकल वाले को बोलते हैं कि उन्हें जो है ये वाली दवा चाहिए। तो मेडिकल वाला सबसे पहले इनको कहता है कि इसके जो है वो पैसे लाकर दो। तो हाइनज जो है उसके पास जो है पैसे नहीं थे। अब वो ये दुविधा में था कि यदि वह इस दवा को चुरा लेता है तो ये भी गलत है, ठीक है, और यदि वह नहीं चुराता है तो उसकी पत्नी भी मर जाएगी। तो इस वजह से जो है उसको दवा जो है मजबूरी में चुरानी पड़ती है। तो कोहल वर्ग ने इस कहानी के माध्यम से यह समझाया कि हाइनज जो है वो जन्म से चोर नहीं था, उसने समाज से यह नैतिक व्यवहार सीखा, ठीक है। तो ये नैतिक व्यवहार उसने कहाँ से सीखा? समाज से। इसका मतलब क्या है? बच्चा जो है वह जन्म से जो है उसमें नैतिकता का गुण नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने जो स्टेजेस बताई, जीन प्याजे ने जो स्टेजेस बताई, तो वहां पर इन्होंने नैतिकता का जो विकास है उसके लिए जन्म से जो है उम्र नहीं बताई। और कोहल वर्ग जो है इन्होंने 3 वर्ष के बाद जो है बालक में नैतिकता के गुण का विकास होता है यह बताया। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक तर्कणा एवं कार्यवाही के बीच जो है वो संबंध स्थापित करता है। अब देखिए नैतिक तर्कणा क्या होती है? मोरल रीजनिंग, जहां पर व्यक्ति जो है सही गलत का निर्णय करता है। नैतिक दुविधा क्या होती है? मोरल डिलेमा, यहां पर व्यक्ति जो है वो कंफ्यूजन में होता है जब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, जहां पर वह यह नहीं समझ पाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि दोनों ही हालत में जो है नुकसान तय है। और हाइनज जो कि यूरोप के थे उनके साथ भी यही कंडीशन थी कि दवा लेना जो है उनको बहुत जरूरी था और चोरी करना जो है वो बहुत गलत है, ये हाइनज जानते थे। तो वह किसमें थे? नैतिक दुविधा में थे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो इन्होंने जो है 3 स्तर की 6 चरण बताए। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई जो कि 6 चरणों में जाकर पूरा होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। तो ये पहली क्या है? अवस्था है, पहला स्तर है, ठीक है, और इसमें जो समय है 4 से 10 वर्ष तक का है। सबसे पहला जो चरण है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता अवस्था। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वह दंड से दूर रहना चाहता है और वह अपने माता पिता और जो बड़े हैं उनके प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसको दंड ना मिले, और इसीलिए जो है वह आज्ञा का पालन करता है। दूसरा चरण है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अवस्था, जिसे व्यक्तिक व विनिमय पर आधारित भी अवस्था कहा जाता है,
ठीक है। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो पुरस्कार प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है और इसीलिए वो ऐसे ऐसे कार्य करता है ताकि जो है उसे पुरस्कार की प्राप्ति हो। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर पर है परंपरागत नैतिक अवस्था रूढ़िगत चिंतन। तो ये कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। समय है 10 से 13 वर्ष। अब देखिए तीसरा चरण है, 6 चरण बताए हैं, 2 चरण हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता अवस्था, जिसे अंतर्वैयक्तिक संबंध की अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, ऐसे ऐसे कार्य जो है वो करके दिखाते हैं कि उनसे जो बड़े हैं वो उन पर गर्व करें। जैसे कि सुबह जो है उठकर फटाफट से जो है नहा धोकर रेडी हो जाना, ठीक है, पूजा पाठ करना, या फिर कोई बुजुर्ग दिखाई दे तो उनके जो है वो पैर छूना, जो है लड़कों में ये आदत होना, तो कोई भी उनको देखकर ये कहेगा कि वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। इस तरीके से कार्य जो है ये करके दिखाते हैं। फिर देखिए फोर्थ जो चरण है, कानून और आदेश की अवस्था। तो इस अवस्था में बालक के नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों, कानूनों और कर्तव्यों पर आधारित होते हैं और इस अवस्था में बालक जो है वही कार्य करता है, वही व्यवहार करता है जो कि उसका परिवार जो है, देश है, समाज जो है उसके हित में हो। तीसरा स्तर है गैर परंपरागत या पश्च परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पर उम्र है 13 वर्ष से अधिक। ये नैतिक अवस्था का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तो यहाँ पर पांचवा चरण है ये सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक समझौते की अवस्था। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है उन व्यक्तिगत अधिकार या नियमों का आदर करता है जो कि लोकतांत्रिक रूप से मान्य होते हैं। नेक्स्ट देखें, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करता है और वो जो कार्य जो कि निंदा के कार्य होते हैं इनसे बचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौहल वर्ग जो है इन्होंने कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। दोबारा से देख लीजिए, 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, इसका पहला चरण है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता अवस्था, दूसरा चरण है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अवस्था। चरणों के नाम और समय आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो स्तर है परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसे रूढ़िगत चिंतन भी कहा जाता है, 10 से 13 वर्ष का समय है। इसमें जो चरण है पहला अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता अवस्था, कानून और आदेश की अवस्था। तीसरा जो अंतिम अवस्था बताई है इन्होंने गैर परंपरागत या पश्च परंपरागत अवस्था, तो यहाँ 13 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं बड़े हैं उनको शामिल किया। यहाँ पर जो नैतिकता जो है वह सबसे चरम सीमा पर होती है, सबसे उच्च स्तर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने चरण बताए सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, यहाँ पर जो व्यक्ति है वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है। सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, यहाँ पर जो है व्यक्ति नैतिक नियम जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है और लोगों को भी बताता है कि ये नैतिक नियम है, आपको भी इनका पालन करना चाहिए। सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई, वहीं पर कौहल वर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। आलोचना, कोहल वर्ग जो की जो थ्योरी है इसकी आलोचना एक कैरल महिला ने की, ठीक है। इन्होंने कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि महिला के नैतिक व्यवहार की इन्होंने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, केवल पुरुष सैंपल ही लिए। जो 11 कहानियां इन्होंने सुनाई थी वहां पर केवल जो पुरुष सैंपल जो है उन्हीं को लिया, उन्हीं पर आधारित कहानियां भी थी। तो ये जो है सभी संस्कृति पर लागू नहीं होता है। तो इसकी आलोचना किसने की? नाम आप ध्यान में रखें, केरल महिला ने की। तो यहाँ पर कौहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वह कंप्लीट होता है। अच्छे से जो है इनकी जो अवस्थाएं हैं, चरण जो हैं, इनको आप ध्यान में रखें, समय आपको ध्यान में रखना है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संवेगात्मक विकास का चैप्टर हो और मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियाँ मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न करने वाला माना है, ठीक है। तो मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों को क्या माना है? जन्मजात प्रवृत्तियाँ माना है, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे संबंधित 14 संवेगों को बताया है। अतः उनके अनुसार विशिष्ट संवेग का संबंध विशिष्ट मूल प्रवृत्ति से होता है।
तो जिस तरीके से मैकडूगल ने जो है 14 संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इसी तरीके से इनका समर्थन जो है वो गिलफोर्ड भी करते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड जो है वह भी कहते हैं कि ये जो 14 मूल प्रवृत्तियों के जो ये 14 संवेग जो इन्होंने बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं। वहीं पर थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि वॉटसन जो है उनका मानना था कि जब शिशु जो है वो पैदा होता है, यानी जन्म के समय 2 माह का है या फिर 1.5 माह का है, तो उस समय मनुष्य में जो है वो 3 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम जन्मजात संवेग बोलते हैं। एक तो होता है भय, दूसरा होता है क्रोध और तीसरा होता है स्नेह। ठीक है, यानी फियर, एंगर और लव, ये 3 जो संवेग हैं वो जन्मजात हैं, जो कि बालक जब पैदा होता है तब उसमें पाए जाते हैं। ये कौन कहते हैं? केवल वॉटसन कहते हैं। तो देखिए, मैकडूगल के अनुसार जो है वो विशिष्ट संवेग का संबंध जो है वो विशिष्ट मूल प्रवृत्तियों से होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट मूल प्रवृत्तियां हैं उनके विशिष्ट जो है वो संवेग बताए हैं जो इनसे संबंधित हैं। तो जहां पर संवेग है भय या डर, ये एक प्रकार का नकारात्मक संवेग है। ठीक है, जो तेज आवाज के कारण या किसी का समर्थन वापस लेने के कारण जो है वो पैदा होता है। तो जो बच्चा होता है उसमें अनुशासनहीनता का मुख्य कारण जो है ये यही माना जाता है, भय या किसी प्रकार का डर। तो जो मैकडूगल है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो संवेग है वो इसी को बताया है, भय को। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहीं पर जो जॉनसन है वो क्या मानते हैं कि जो 2 साल का जो बच्चा होता है वो सांप से नहीं डरता, फिर धीरे धीरे जो है उसमें जब भय की स्थिति जो है वो बाद में उत्पन्न होती है जब वो सांप से डरता है। हो सकता है कि 2 वर्ष का बालक जो है वो सांप से खेलने ही लग जाए। और वहीं पर मैंने वॉटसन की बात बताई थी कि वॉटसन कहते हैं कि लगभग 2 माह का जो बालक है उसमें ये चीज जो है वो होती है, ये संवेग जन्मजात है। ठीक है, और जॉनसन क्या मानते हैं कि 2 वर्ष का जो बालक है वो सांप से नहीं डरता, बल्कि धीरे धीरे जो है उसमें भय की उत्पत्ति बाद में उत्पन्न होती है। लगभग 3 वर्ष का बालक जो है वो इस स्थिति से जो डरने लगता है, अंधेरे जो है कमरे में नहीं जाएगा। ठीक है, जो पशु जो होते हैं उनसे डरने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैकडूगल की यदि बात करें तो मैकडूगल ने सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवेग जो है वो इसी को बताया है, भय को। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो भय संवेग होता है तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वह होती है पलायन करना या भाग जाना। जब हमें डर लगता है या भय होता है बच्चे को, तो वो क्या करता है, उस स्थिति से भाग जाता है या उस स्थिति से जो है वो पलायन कर जाता है। उसके बाद देखिए, क्रोध संवेग जो है, जब भी क्रोध आता है ये भी एक नकारात्मक संवेग है। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा जो है वो पूरी ना हो पाए या कोई सामने वाला व्यक्ति जो है उसके जो है अपोजिट जो है कार्य करे तो उसको जो है क्रोध आता है। और क्रोध जब आता है तो युयुत्सा मूल प्रवृत्ति या युद्ध प्रियता, तो ये मूल प्रवृत्ति जो है वह आती है, यानी कि हम युद्ध के लिए, हम जो है झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए जो है वो उतावले हो जाते हैं। घृणा जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का अर्थ क्या है, यानी कि आकर्षण न होना। जब घृणा संवेग होगा तो हम उस चीज के लिए आकर्षित तो नहीं होंगे। आश्चर्य, आश्चर्य जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, यानी कि जानने की इच्छा होना। जब भी हम सरप्राइज होते हैं किसी चीज को देख के तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वात्सल्य स्नेह जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति है शिशु रक्षा या शिशु प्रेम। कष्ट जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, किसी की शरण में चले जाएंगे। ठीक है, तो शरणागति जो है इसकी मूल प्रवृत्ति है कष्ट संवेग की। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये किसने बताई हैं, ये सभी बताई हैं मैकडूगल ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि व्यक्ति में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। सृजनात्मकता की जब भावना, ये जो संवेग होता है इसकी जो मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी होगी तो कोई ना कोई चीज जो है वो व्यक्ति बनाने के लिए तैयार रहता है। स्वामित्व की भावना, इसकी मूल प्रवृत्ति है संचय प्रवृत्ति। ठीक है, अकेलापन जब भी होगा, एकाकीपन होगा, तो हम जो है समूह में जाने की सोचेंगे। सामूहिकता जो है वो मूल प्रवृत्ति जो है वह होगी। कामुकता,
इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो काम है, श्रेष्ठता की भावना, तो यहाँ पर आत्म गौरव जो है वो मूल प्रवृत्ति होगी। आत्महीनता संवेग में दैन्य होगा। भूख संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी भोजना अन्वेषण, यानी भोजन की खोज में लग जाना। जब भी भूख लगेगी तो व्यक्ति है, बालक जो है वो क्या करेगा, भोजन की तरफ जो है वो आएगा, उसकी खोज करेगा कि जो है घर में कहाँ पर भोजन रखा है, मुझे उसको खाना है, ठीक है। और आमोद जो संवेग है इसकी जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी हास्य, यानी कि खुशी। तो यानी कि जैसे जैसे संवेग जो हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे संवेग जो है वो और भी अधिक तेज होते चले जाते हैं, ठीक है।